नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हाजिर हुए हैं प्रमुख खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में HRTC बस के हादसे का शिकार होने का समाचार प्राप्त हुआ है। वहीं बस में कुल 24 यात्री सवार थे। क्या खबर रहने वाली है, पूरी जानकारी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चंबा चंडीगढ़ रूट पर जा रही HRTC बस हुई हादसे का शिकार, 24 यात्री थे सवार। चंबा चंडीगढ़ रूट पर जा रही HRTC चंबा डिपो की बस हादसे का शिकार हो गई। यह घटना तब हुई जब बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। इस टक्कर के कारण बस में सवार यात्रियों के बीच चीखों पुकार मच गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार 24 यात्रियों को लेकर यह बस चंबा से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी। जैसे ही बस पठानकोट के चक्की के पास पहुंची तो अचानक चालक बस से नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते बस सड़क किनारे लगे पेड़ से टकरा गई। हादसे के दौरान बस में यात्री डर के मारे चिल्लाने लगे। घटना के समय कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन किसी की स्थिति गंभीर नहीं थी। वहीं हादसे की सूचना जैसे ही चंबा डिपो को मिली तो पठानकोट डिपो से दूसरी बस की व्यवस्था की गई और इससे यात्रियों को उसमें बैठाकर गंतव्य की ओर रवाना किया गया। HRTC के क्षेत्रीय प्रबंधक शुगल सिंह ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि HRTC चंबा डिपो की बस हादसे का शिकार हुई है, लेकिन हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। कहा कि मामले की जांच की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। तो ये रही बड़ी खबर कि चंबा से चंडीगढ़ जा रही बस जैसे ही पठानकोट के चक्की के पास पहुंची तो चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते बस सड़क किनारे लगे पेड़ से टकरा गई। गनीमत रही कि किसी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आई है। तो ये रही बड़ी खबर। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।